जनपद में शनिवार को 49 केंद्रों पर कोविड का वैक्सीनेशन किया गया। वहीं जिला महिला अस्पताल तथा संक्रमण वार्ड में टीका लगवाने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखा, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में 18 साल से ऊपर के 3289 तथा 45 साल से ऊपर की 5862 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने बताया कि 45 साल से ऊपर के 3644 लोगों को टीके का पहला डोज तथा 2218 लोगों को टीके का दूसरा डोज लगाया गया। सीएमओ ने कहा कि कोरोना के मरीज इस समय कम हो गए हैं तथा इसका श्रेय जनता को जाता है। लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन किया, बाहर जब भी निकले तो मास्क लगाकर निकले हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि सभी लोग समय से टीका लगवा लें तथा सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, देख लीजिए 45 दिन हो गया, कितना तो लाइन में लग जाएगी। 45 दिन होना जरूरी है। नहीं उसे नहीं कि मतलब मेरे काउंटर पे नहीं आ रहा है, वो ये कर रही है। आज हमारे ज़िले में 51 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिससे समय से 27 जगहों पर 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें कि 18 प्लस में सभी को पोर्टल से ही इनरोल होकर के वैक्सीनेशन होना है। किसी किन सेंटरों पर 100 और किन सेंटरों पर 200 का हमारे पास टारगेट रखा गया है।
18 प्लस के लिए हम 4000 का कार्ड रखे हैं। कल जो है हमारे 18 प्लस वालों ने 3200 लोगों का टीकाकरण कराया था और आज हम संभावना व्यक्त करते हैं कि 4000 के आसपास 18 प्लस लोग टीकाकरण पाएँ। बाकी सेंटरों में हमारा 45 प्लस के लोगों का टीकाकरण चल रहा है। जो लोग इनरोल होके आ रहे हैं उनको भी टीकाकरण किया जा रहा है और जो नहीं आ रहे हैं उनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण किया जा रहा है। सर जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनपद को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना के केसेस इस दौरान बढ़े हुए हैं, अभी हमारे ज़िले में कम हो रहे हैं। इसका श्रेय अपनी जनता को जाता है कि लोगों ने कोरोना नियमों का पालन किया, बाहर अनायास घूमने के बजाय घरों में लोग रहे और जब भी निकले तो मास्क लगा के निकले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए। इसके तहत हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट घटी है। अभी हमें इन नियमों का लगातार पालन करना है जब तक हम शून्य पर ना चले जाएं और आशा हमें लगती है कि हम उसी दिनों में पॉजिटिविटी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमें सभी से निवेदन है कि जो लोग भी इनको भी टीकाकरण के लिए बुलाया जाता है वो सब लोग आएँ और टीका अपने समय से टीकाकरण कराएं, जिससे इस महामारी से हम अपने जिले को मुक्ति दिला सकें।